संस्था जो कि सामाजिक संस्था है उसके द्वारा मेघावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम की विधिवत जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को दी। पेश है रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग और अपने फिरोजाबाद जनपद के सभी लोग जानते हैं कि आदर्श विकास संस्थान पिछले 13 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। फॉर्मल कार्यों को छोड़ के आदर्श विकास संस्थान का जो ध्येय रहता है कि उसका किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो उसमें फॉर्मल नहीं हो, उसका हम क्या उद्देश्य और क्या मकसद हम एक साबित कर सकते हैं, इन उद्देश्यों को लेकर बारीकी से आपके साथ डिस्कशन के लिए आज वार्ता का आयोजन किया गया है। और आज जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसका टाइटल तो है केवल मेधावी प्रतिभा सम्मेलन, जिसमें 10th और 12th के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम के पीछे जो हमारी थीम और मकसद है वो थोड़ा सा अलग है। इस तरह के प्रोग्राम मोस्टली सभी संस्थाएँ करती हैं, कुछ सजाती करती हैं, कुछ 80% से ऊपर करती हैं, कोई 90% से ऊपर करती हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जो 60% से ऊपर के बच्चों को जो चयनित कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारा मकसद है वो ये है कि जिन बच्चों का अच्छा परसेंटेज आता है तो कहीं ना कहीं उसके गार्जियंस या उसकी बैकग्राउंड बेहतर है जो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पा रहा है। हमारा मानना यह है कि अच्छों के साथ तो अच्छा सबको हर कोई कर रहा है, हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि आपके माध्यम से जनपद के ग्रामीण अंचलों तक हमारा ये मैसेज पहुंचे कि हम इस प्रतिभा सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और उसमें हमें वो बच्चे मिले जो किसी आर्थिक अभाव में या किसी पारिवारिक कारणों से अपनी क्षमताओं के होने के बावजूद भी अपने आप को आगे नहीं ला पा रहे हैं, वो ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमें पढ़ने के बाद आगे क्या करना चाहिए। अगर जानते हैं तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हाई स्कूल किया तो अब इंटर करना है, इंटर कर ली तो बीए करना है, बीए के बाद बीएड करनी है, फिर बेरोजगारी के चक्कर में इधर उधर चकलाते हुए 1500-2000 रुपए के इंस्टीट्यूटों में जॉब करनी है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि 60% वाले बच्चे जब हमारे प्रोग्रामों के दौरान आएंगे तो उनमें से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें ऐसे बच्चे टैलेंटेड कौन से हैं जिनके किसी कारण से मार्क्स कम रह गए लेकिन वो टैलेंटेड हैं, तो उनको कैरियर काउंसलिंग के द्वारा उनको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। और उसमें अगर निर्धन छात्र मिलते हैं तो 10th वाले छात्रों के लिए तो हमारी ये योजना है कि उनको 12th कराने तक स्कूलिंग कराई जाए और स्कूलिंग के साथ साथ वो बच्चे किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उससे संबंधित उनको कोचिंग दी जाए और उस कोचिंग देने में शहर के क्या आगरा, अलीगढ़, मथुरा, दिल्ली तक, कोटा तक के हमारे ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से हम उनकी मदद भी करें। मैं डॉक्टर विक्रांत शास्त्री हूँ, डायरेक्टर उत्तम इंस्टीट्यूट आगरा। हम लोग यहाँ जो प्रेस वार्ता का आयोजन है जिसलिए हम पधारे हैं उसका मूल उद्देश्य फिरोजाबाद और उसके आसपास के जनपद हैं उनमें जो छात्र हैं, देखिए आज अभी हम लोगों ने देखा 2018 में जो परीक्षा हुई वो काफ़ी हद तक नकल विहीन परीक्षा हुई, तो इसमें जो छात्रों का 60% या 60% से अधिक छात्रों का हम सम्मान कर रहे हैं वो छात्र हैं जो बाकी डिजर्विंग छात्र हैं। अब वो ज़माना गया जब आपको 95% मार्क्स आते थे, आज अगर कोई बच्चा 60% मार्क्स भी ला रहा है तो वो अधिक संख्यक केसेस में जेन्यून बच्चा होता है जिसने मेहनत से अंक प्राप्त किए होते हैं। तो ऐसे में जो उद्देश्य है इस आयोजन का उद्देश्य उन छात्रों को सम्मानित करना है और हर एक छात्र जो है परिवार में अकेला नहीं होता, उसके भाई बहन भी होते हैं, कजिन्स भी होते हैं, जब उसको सम्मान मिलता है तो वो जो उसके भाई बहन होते हैं उनको भी जो है प्रोत्साहन मिलता है, वो भी जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और किसी भी हम एरिया की बात कर लें, जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो न सिर्फ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है बल्कि उसके देखा देखी उसके आसपास रहने वाले लोग, उसके प्रियजन, उसके रिलेटिव्स, उसके भाई बहन, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि वो जो है बेहतर जीवन कर सके। इसी उद्देश्य से छात्रों को 10th और 12th के छात्रों का चयन किया जा रहा है
देखिए इसमें मूल तो उद्देश्य या ये कहते हैं जो लाइबिलिटी है वो छात्रों की है कि वो स्वयं आएंगे और आकर एनरोल करेंगे, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का जो है संस्था सम्मान कर पाएगी। तो प्रेसवार्ता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सम्मान समारोह है इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचे, जिससे कि बच्चे जो है आएँ और जो भी केंद्र हैं जहाँ पर वो एनरोल कर सकते हैं वहाँ अपने आप को एनरोल करें। और चार जनपद में चार जगहों में इस आयोजन को किया जा रहा है, तो जहाँ भी उनसे सबसे निकट आयोजन है वहाँ जाएं और जो भी प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाएगा वो लें और खुद भी गौरवान्वित महसूस करें और अपने परिवार को भी कराएं। और जो और मैंने बताया जो पॉजिटिव जो जो वेव है वो फैले और आसपास के और बच्चे भी उनकी देखा देखी इस काम को जो है करने के लिए प्रोत्साहित हों। साथ में हम लोग एक अवसर 2018 नाम का एक मेगा जॉब फेयर आगरा में अपने कैंपस में करा रहे हैं, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले। ये एक ओपन जॉब फेयर है, इसके लिए आपको हमारे संस्था में अध्ययनरत रहना या हमारे संस्था से पास करना आवश्यक नहीं है। कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है या जिसने ITI का डिप्लोमा किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट है या BTech है या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के भी बच्चे हैं वो सब जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 100 से अधिक कंपनियाँ एक दिन में करीब 1000 के आसपास नौकरियाँ उपलब्ध हैं। तो आपको सिर्फ 20 तारीख को, जिस दिन ये 20 जून को है, उसी दिन सिर्फ आगरा में कैंपस में आना है। उससे पहले आप ऑनलाइन हमारे हमारी जो कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर जाकर एक हाइपरलिंक है अवसर का, उसको लिंक कर आप अपने घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी कंपनीज में अपियर होना है। अपनी अगेन आपको उसके लिए अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको देखते हुए ही आपको चयन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कंपनी ने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा आप ग्रेजुएट हैं, तो थोड़ा वहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कंपनीज भी हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं, तो आपको उसी हिसाब से जो अपने आप को सेलेक्ट करना है कंपनीज को, और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उस जो एक्नॉलेजमेंट है उसको लेकर 20 तारीख को आप कैंपस में आएंगे, तो वहाँ पर आपको कंपनीज में इंटरव्यू का मौका मिलेगा। ये एक हमारा एक CSR इनिशिएटिव है जिसमें कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिले। पिछला जो हमारा हुआ था उसमें 350 कॉलेजों के करीब 1200 से 1500 बच्चे आए थे और करीब 600 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिली है। तो इस बार हमारा लक्ष्य उनसे ज़्यादा कंपनीज को बुलाने का है, उससे ज़्यादा कॉलेजों को अपने साथ जोड़ने का है और उससे ज़्यादा नौकरियों को देने का। तो एक बहुत अच्छा अवसर है, इसका नाम भी अवसर है और बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षित बेरोजगार हैं, सिर्फ बेरोजगार नहीं जो कहीं जॉब भी कर रहे हैं लेकिन बेटरमेंट के लिए देख रहे हैं, वो ज़रूर इस सुनहरे अवसर का फ़ायदा उठाएं के रूप में जो लोग जुड़े हैं। तो ये इन संस्थाओं के द्वारा बच्चों को रोज़गार और कैसे वो आगे की तरफ अपने आप को विकसित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए इस संस्था का मेन उद्देश्य है। और जैसा कि अभी भाई ने बताया है कि एब्सेंट से बच्चे ले रहे हैं, यानी वो बच्चे जो बाकी जगहों पर छूट जाएंगे हमारी संस्था के द्वारा मैक्सिमम बच्चे आ जाएंगे। वो बच्चे जो कहीं पर भी, हमने इसके द्वारा ये भी भेजा ना कि अगर ये IIT की कोचिंग, नीट की कोचिंग करना चाहते हैं तो कई कोचिंग से टाई अप करके आप उन बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये आदर्श विकास संस्थान का बहुत अच्छा प्रयास है।